ग्रेविटेशन के इस पेज में जो पेज आपके सामने है, आइजैक न्यूटन के बारे में बताया गया है। आइजैक न्यूटन का जो ड्यूरेशन था, जो उन्होंने अपनी ड्यूरेबिलिटी थी, जहां पे उन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया था, 1642 से 1727 तक का था। और इस 17th century में इन्होंने क्या बताया, ये एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने जो लॉ दिया था फिजिक्स के फील्ड में, वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन का भी लॉ दिया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ये दो इनके मेजर थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने साउंड के बारे में भी बताया। अगर आप फर्दर पढ़ोगे, इन्होंने हीट में भी अपने लॉ दिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लॉ इन्होंने बाद में दिए। इनके साथ जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, कॉपरनिकस, अभी मैंने आपको नाम दिखाया, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे और उनके साथ मिलके इन्होंने काम भी किया था। यहाँ पे आप देखो, सबसे बड़ी बात कि ये क्या थे, ग्रेट मैथमेटिशियन यहाँ पे बोला गया है, बताया गया है कि न्यूटन्स वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इनफैक्ट वो मैथमेटिशियन ही थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जिनके साथ उन्होंने काम किया उसके बारे में मैं बता दूं, जिनके साथ काम किया वो साइंटिस्ट का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, न्यूटन्स वर्क विथ कंबाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉपरनिकस, कैपलर, गैलीलियो एंड अदर इनटू अ न्यू पावरफुल सिंथेसिस। तो इस पे इन्होंने बहुत सारे काम किए थे और इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे, इसके साथ साथ उन्होंने डिजाइन किया था, सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हो, ही डिजाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू कैरी आउट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। न्यूटन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन। लेकिन इस सब के बावजूद, इसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ जो हमें स्टडी करनी है यहाँ पे ग्रेविटेशन में, कैपलर्स के लॉ को, तो कैपलर्स ने तीन लॉ दिए थे जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास लिखा हुआ है, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो इस लॉ को कैसे उन्होंने बताया। तो ये भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देयर हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डेटा ऑन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैड बीन कलेक्टेड बाय मैनी एस्ट्रोनॉमर्स। बेस्ड ऑन दीज डेटा जोहान्स केपलर डिराइव्स थ्री लॉज विच गवर्न्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड केपलर्स लॉ। और ये केपलर्स लॉ क्या था, केपलर्स ने भी जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिजाइन किया था, उसी ड्यूरेशन में केपलर्स ने अपने इस लॉ को दिया था। जो प्लेनेटरी मोशन, मतलब प्लेनेट में जो मोशन चल रहे थे, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके जो मोशन है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था। वो क्या क्या तीन लॉ थे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बताऊं, फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्टिकल एलिप्स। जो भी पाथ, जिस पाथ पे मान लो कि ये यहाँ पे आप, मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूंगा आपको कि ये क्या बताना चाह रहा है, वो चीज मैं आपको यहाँ समझा दूं। मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है। सन किस पे है, सेंटर पे। देखिए सन एट वन ऑफ द फोकाई, फोकाई क्यों बोला गया है, फोकाई क्या होता है, फोकस का प्लुरल। तो फोकस तो आपको पता है, फोकस का प्लुरल मतलब यहाँ पे दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इलिप्स जब बनता है तो इलिप्स कैसे बनता है, इलिप्स ऐसा बनता है ना। तो इसमें जो फोकस होते हैं वो फोकस कैसा होगा, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि जी फोकस कैसा होगा। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लो कि एक लाइन यहाँ से यहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके दो फोकस हो सकते हैं। यहाँ पे एक फोकस हो सकता है F1 लिख सकते हो आप इसको, और दूसरा फोकस इस जगह पे हो सकता है, इसको F2 लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब सन या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, क्लियर है, सन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बता रहा है, एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो, इन दिस फिगर ओ इज द पोजिशन ऑफ द सन। मैं फिगर भी आपको दिखाऊंगा अभी, कि इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट, ये मान लो कि यहाँ पे प्लैनेट होता है ना,
ये प्लेनेट जिस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है वो ऑर्बिट कौन सा है? वो सर्कुलर ऑर्बिट है, और सर्कुलर मतलब सर्कुलर नहीं, किस चीज का? हाँ, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये बताया जा रहा है, मतलब इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। और सन कहां पे है? उसकी फोकाई पे, मतलब अदरवाइज इस तरफ या फिर इस तरफ, ऐसा होता है। ये ओरिएंटेशन होती है किसकी? सैटेलाइट की, जो आर्टिफिशियल हो या फिर आपकी जो भी सैटेलाइट आप बोल सकते हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, उसकी ओरिएंटेशन। तो जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है, उस तरह से मैं नीचे के डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा, देख के समझ में आ जाएगा नीचे के डायग्राम में। ये देखिए नीचे का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओ जो है, यहाँ पे ओ है, ये देखो आप, यहाँ पे ओ है तो इसका मतलब यहाँ पे सन है, और ये सब जो है इसकी क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन। देखिए कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, जैसे सी से ओ है, डी से ओ है, ए से ओ है या बी से ओ है, ये लाइनिंग जो ज्वाइन कर रहे, ये स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया ये स्वेप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब मान लो कि अगर आपको या ए से बी पे जाने में, ए से बी पे जाने में मान लो एक घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एक घंटा लग रहा है, तो और सी पे, सी से डी पे जाने में भी एक घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो एरिया होगी, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसकी जो एरिया होगी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एरिया इक्वल होगी। एरिया कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ पे ए ओ बी, एक एरिया ये बन रहा है और दूसरा बन रहा है सी ओ डी। इसका मतलब एरिया ऑफ ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सी ओ बी। दस इफ द टाइम ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में जो टाइम ट्रेवल हो रहा है इज द सेम एज द टाइम फ्रॉम सी टू डी, जो मैंने अभी बताया आपको। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी इसकी एरिया एंड द एरिया ऑफ ओ सी डी, ओ सी डी आर इक्वल। दूसरे लॉ में इन्होंने ये बताया था कि अगर इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखिए यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया ये कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। मतलब ये देखो यहां पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब यहां पे अगर समझा जाए तो ये आप कह सकते हो कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट टू द सन। और नेक्स्ट में आप देखिए, ये तीनों पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर दिया, ये क्या कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केपलर्स कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट, है ना। इट वॉज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ द प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स ने तो ये थ्योरी दे दिया, ये तीन थ्योरी उसने बता दिए, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाया। और बाद में न्यूटन्स ने इसके बारे में बताया, प्लेनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने डिटेल्स बताया कि प्लेनेटरी मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द सन एग्जर्ट ऑन देम, कि प्लेनेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन के बारे में यहाँ पे न्यूटन ने बताया था, इसलिए उन्होंने बताया कि न्यूटन यूज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स ने यह भी बताया कि थर्ड लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, थर्ड लॉ से प्रूफ करके दिखाया है। आगे आप जब पढ़ोगे साइंस में तो वहां पे आपको 10th के बाद आप जैसे क्लास 11th में जाओगे तो ये प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज वीकेंड बाय डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, थोड़ा वीक होता चला जाता है। द सिंपल आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस, वी कैन एज्यूम दैट द प्लेनेटरी ऑर्बिट्स आर सर्कुलर,
नॉर्मली जब हम लोग प्रूफ वगैरह करते हैं तो वहां पे इसको हम सर्कुलर मान लेते हैं, हालांकि सर्कुलर है नहीं। आप देख रहे हो कि प्लेनेटरी ऑर्बिट कैसा है यहाँ पे, तो ये एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। सपोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज वी एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अगर आपने सर्कुलर मान लिया है तो यहाँ पे रेडियस आप क्या ले लिया, आर ले लिया। और किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑर्बिटिंग प्लेनेट, ये फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, एक सेंटीपीडल फोर्स है, और सेंटीपीडल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहाँ पे देखो एम तो कौन, मास तो कॉन्स्टेंट होता है, वो तो चेंज होता नहीं, इसलिए यहाँ पे सीधा इन्होंने क्या लिखा, वी स्क्वायर बाय आर, ये लिख दिया इन्होंने। इसके बाद जब वी स्क्वायर बाय आर हो गया, अब यहां पे आप देखो नेक्स्ट में क्या बताया, सो दैट वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो आर, तो वी कैन रीराइट, अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि वी स्क्वायर जो है, ये जो वी स्क्वायर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखो 1 बाय आर इनटू ये वाला जो पार्ट था जो कैपलस ने बताया था, आर क्यू टी स्क्वायर, ठीक है, ये कैपलस ने बताया था, तो कैपलस ने जो बताया था उसको यहाँ पे इसने लिख दिया। अब इसके बाद सिंस आर क्यूब टी स्क्वायर ये कांस्टेंट है जो कैपलस के थर्ड लॉ में दिखाया गया है, तो वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हमारे पास दिया हुआ है, तो जब इसको कंबाइन करके देखा तो आपको क्या मिला, वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर, और इसका मतलब है फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इसको प्रूव करने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी वीक होती चली जाती है ना, यहाँ पे उसी फोर्स को यहाँ पे वीक होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा करके दिखाया है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके साथ ही आपको आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या करना है यहाँ पे, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पे जैसा दिया गया है, गिवन एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आप पहले यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हर चीज क्लियर हो, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक तो ये हो गया। टी डिनोट्स द पीरियड, ठीक है, और देखो टाइम अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ये समझना, ये अगर सर्कुलर पाथ है ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस अगर आर है तो पूरा सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कितना होगा, तो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस अगर पूरा, अगर ये ऑर्बिट पे कोई सेटेलाइट पूरा एक पूरा रिवॉल्व करता है, ये यहां से यहां तक ऐसा रिवॉल्व कर गया, कंप्लीट कर लिया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर का, तो 2 पाई आर का इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। और टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, मान लो टाइम कैपिटल टी लग रहा है तो अपॉन टी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो गया आपका 2 पाई आर अपॉन टी। तो इसी चीज को यहां पे दिखाया गया है कि 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। और ये देखो आप ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के, है ना, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के। तो इसमें अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, तो दोनों की स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो दोनों की स्क्वायरिंग अगर आप करोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर, मतलब 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, है ना, तो ये टी स्क्वायर। तो अब 4 पाई यहां पे क्या है, होता है कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर के, ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज को यहां पे इसने फिर से दिखा दिया कि देखो भाई कि वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर के, ये कैसे आया ये भी क्लियर है अभी यहाँ पे। अब वी कैन रीराइट वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, है ना, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ये इससे आ रहा है,
ना वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ये भी देख रहे हो, तो यहां पे देखो वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे 1 बाय आर लिख दिया हमने, ठीक है, 1 बाय आर इंटू इंटू यहां पे देखो ये क्या है, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर। आर क्यूब बाय टी स्क्वायर मतलब कॉन्स्टेंट की जगह पे ये वैल्यू है। कॉन्स्टेंट कहां पे देखा था आपने, ये क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ है, और केपलर्स थर्ड लॉ में आपने क्या देखा, ये वाला कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब आप इसको कह सकते हो ना कि ये जो हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आया था, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल रहेगा, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बाय, इसकी जगह पे 4 पाई की जगह पे देखो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, तो आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर ये आ जाएगा आपको यहाँ पे। अब आर क्यू बाई टी स्क्वायर चूंकि कॉन्स्टेंट है कैपलर्स लॉ के बेसिस पे, तो यहाँ पे वी स्क्वायर आप लिख सकते हो इस तरह से, और ये चीज आप सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है।